थैंक यू रेडी ओके कुमार सर, वेरी वार्म वेलकम टू दिस कन्वर्सेशन सर. चम्मा चम्मा जैसा कि धूम मचा ही रहा है और लोगों तक पहुंच रहा है, चाइना गेट की फिल्म लोगों तक पहुंची या ना पहुंची हो, लेकिन गाना बहुत पहुंचा था सर. तो किस तरीके से इस आइडिया का जन्म हुआ और कैसे इसको आपने इन्हेंस किया और लोगों तक पहुँचाया था? म्यूज़िक की क्या जर्नी रही, इसके आइडिया की क्या जर्नी रही, प्लीज़ थोड़ा बताया था. जब हमने चाइना गेट का म्यूज़िक लिया था, उस ज़माने की बात है, तभी भी पिक्चर में सॉन्ग नहीं था, माना बड़े कन्फ्यूजन था तभी भी हमने राज जी को समझाया था, भरत शाह जो प्रोड्यूसर थे फिल्म को, कि आप एक गाना रखो इस पिक्चर में, बहुत अच्छा लगेगा. तो फिर ये आइडिया निकली कि कैसे रखा जाए गाना. तो चम्मा चम्मा उस टाइम पे रिकॉर्ड हुआ, रकानू मलिक ने बनाया, उर्मिला जी ने परफॉर्म किया, बहुत अच्छा गाना, हिट गाना होता. अभी रिसेंटली जब हम प्रकाश जी से बात कर रहे थे उनके म्यूज़िक राइट्स के बारे में, फ्रॉड सैया जो उन्होंने पिक्चर बनाई है, तो हमने उनके म्यूज़िक राइट्स एक्वायर किए. तो हमने जब गाने देखे, बहुत अच्छे गाने हैं उनके, फिर हमें लगा कि इसमें एक गाना अगर हम कोई हमारे रेपर्टोर से, कैटलॉग से, टिप्स की जो म्यूज़िक है उसमें ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा होगा फिल्म के लिए और म्यूज़िक के लिए भी. फिर हम आपस में बैठे, फिर हमने उनको रिकमेंड किया, सजेस्ट किया कि आपकी जो पिक्चर का फ्लेवर है उसमें ये चम्मा चम्मा सही बैठता है गाना, आप देखो अगर आप डाल सकते हो तो. उनको बहुत अच्छी लगी आइडिया, फिर वहाँ से शुरू हुआ काम. हमने डील भी साइन की और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ही ली कि हम इसको रीमेक करेंगे, सब कुछ हम ही करेंगे. तो हमने रीमेक किया, तनिष बागची को हमने अप्रोच किया, उन्होंने हमारे गाना बना के दिया, नेहा कक्कर ने गाया, फिर आदिल को हमने फाइनल किया कि आप इसको शूट करके दो. एली जो कि सबकी, फिर आया कि किसको कास्ट किया जाए, फिर एली का नाम दिमाग में आया क्योंकि शी इज़ अ वेरी गुड डांसर है, अच्छी लगती हैं, फिर और डेट्स भी अवेलेबल थे, तो फिर हमने उनको साइन कर लिया. वो भी एक्साइटेड हुई जब गाना सुना और आगे बढ़े. कुमार सर, क्योंकि हम नोट करते हैं कि अब लेजेंड जो बहुत यादगार गाने हैं उनको रिप्लेस किया जा रहा है, तो इस फिल्म में सिचुएशन की डिमांड है या फिर आपको लगा कि चलो एक गाना यूं ही लोगों तक पहुँचाएगा? सी, अगर वर्ल्ड में ये कहीं नहीं है कि फिल्मों में गाने आए, ये इंडिया में ही है कि फिल्मों में गाने आते हैं, और इंडिया के पास कोई भी नॉन फिल्म म्यूज़िक बहुत कम है. अगर आप देखोगे फॉरेन में पूरी नॉन फिल्म म्यूज़िक है, फिल्म में म्यूज़िक नहीं होती है, दो अलग इंडस्ट्री हैं, बट हम साथ में हैं इंडिया में. तो हमारे एक ऑडियंस की डिमांड है कि हमें गाने चाहिए, आप भले कुछ भी करो, कैसे भी करो, गाने डाल लें. तो पहले जब हमने रिकॉर्ड किया, हमने सोचा हम इसको एडजस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं करेंगे, फिट करेंगे. फिर हमारा ये थॉट आया कि एक काम, जब पिक्चर रिलीज हो गया गाना, तो मैंने गाना बना, ऑडियो सुना, हमें बहुत अच्छा लगा, और हमने इनको प्रकाश जी को कन्विंस किया कि प्रकाश जी आप इसको पिक्चर में डालो, पिक्चर के अंदर एडजस्ट फिट करो. तो उन्होंने बोला हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मुझे अंदर पिक्चर के अंदर डालना है. और अल्टीमेटली फिर उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक सीन भी वर्कआउट की. हमने एली से एक दिन और मांगा, उन्होंने एक दिन उनको दिया ग्रेशियसली, एंड फिर वो पिक्चर के अंदर आ रहा है गाना, एंड प्रॉपरली आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बाद में थॉट करके बनाया था गाना. कुमार सर, यूं तो टिप्स जाना जाता है कंटेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, गानों के लिए. डोंट यू थिंक कितना बदलाव आया है 90 से लेके अब तक, फिल्मों को लेके, कंटेंट को लेके, गानों को लेके? पहले गाने बहुत मेलोडियस हुआ करते थे, लोग उन्हें गुनगुनाया करते थे, लेकिन अब गाने एक प्रमोशन का हिस्सा हो गए हैं. तो सर, इस बात से शिकायत है या खुश हैं आप इस बात से? मैं हमेशा खुश रहता हूँ. आई थिंक फिल्मों, अगर आप देखोगे, मैं अभी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन पीछे 50 साल से आप देखो, म्यूज़िक जिस पिक्चर की हिट होती है, पिक्चर की ओपनिंग तो ज़रूर लगती है, बाद में तो पिक्चर नहीं बोलना है आफ्टर फ्राइडे कि पिक्चर अच्छी होनी चाहिए. तो म्यूज़िक पे, पिक्चराइजेशन पे, गानों पे खास ध्यान देना ही चाहिए, वो मैं उसमें फर्म बिलीवर हूँ. तो आई थिंक वो ज़रूरी है बहुत. कुमार सर, यू तो कुमार सर को क्या एंटरटेन करता है, वो कौन से गाने हैं, वो कौन से आर्टिस्ट हैं जिनको आप सुनते हैं सर, और जो आपके दिल के बेहद करीब हैं सर? सी, क्या है ना, बेहद करीब तो जगजीत सिंह हैं, या जो हमारे जो 90s का जो म्यूज़िक था वो पूरा अच्छा म्यूज़िक है, तो वो सब करीब है. मेरे ख्याल से जो म्यूज़िक में ना कुछ आप कह सकते हो, कुछ जैसे मेरी लम्हे है या रम्या अवस्था भैया या गाइड, ऐसी दो तीन पिक्चरें हैं जो फेवरेट हैं, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा. बट मेरे ख्याल से ना जो अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, आप सुनोगे, माना उसमें
म्यूज़िक में ना आप बहुत कम नहीं कर सकते हो, आपके कम से कम 1000-2000 गाने ऐसे होते हैं जो आप कभी भी सुन सकते हो, आप उसको 500 बार सुन लोगे अपने लाइफ टाइम में, तो आई थिंक वो एक अच्छी बात है म्यूज़िक के साथ। कोशिश तो पूरी करते हैं इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन अल्टीमेटली जो फिल्म का जो डिसीजन होता है वो प्रोड्यूसर का और डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो उनकी राय सुन लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए। अल्टीमेटली हम अपने बिजनेस वाले हैं, हमारी भी अपनी सोच होगी, लेकिन क्रिएटिव वालों को थोड़ी आज़ादी, मतलब थोड़ी नहीं पूरी आज़ादी देनी चाहिए। आई थिंक डिसीजन उनका ही होना चाहिए फाइनल। क्या बात है कुमार सर, जानना फिर ये भी चाहेंगे कि सर फ्रॉड सैया का आइडिया कैसे जनरेट हुआ और किस तरीके से इस ये चीज़ लोगों तक पहुंची है, और ऐसी क्या बात है इस फिल्म में जो और फिल्मों में नहीं देखी? सी, मैं फिल्म के बारे में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो ये प्रकाश जी की फिल्म है, प्रकाश झा जी ने बनाई है, उनके कोई एसोसिएट एंड डायरेक्टर। हम इसमें अपना म्यूज़िक पार्ट प्ले कर रहे हैं, म्यूज़िक का जो म्यूज़िक भी उन्होंने बना लिए थे, 4 गाने हैं पिक्चर में, एक और हमने ये ऐड करवाया था चमा चमा, 5 गाने, और हमें लगा कि ये ड्राइवर सॉन्ग होगा, हमने पहले लॉन्च किया, अभी और भी गाने आप सुनोगे इस पिक्चर के, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी एक गाना ऐसा आ जाता है ना कि वो आपको ले जाता है, तो आई थिंक ये पिक्चर का जो चमा चमा ने फ्रॉड सैया का काम कर दिया, तो लोग पिक्चर देखेंगे फ्रॉड सैया। कुमार सर, ये तो जैसे कि आपने अभी बताया कि फिल्म में और भी गाने हैं, तो लेकिन सर ज़्यादा तवज्जो छम्मा छम्मा पे ही क्यों दिया जा रहा है? ये इसलिए है कि लोग इस गाने से रूबरू हैं या जानते हैं समझते हैं, या फिर इसलिए कि लोगों की जो जिज्ञासा है वो फिल्म के प्रति बढ़ जाएगी? सी, वही बात है ना जो आपने कही कि जिज्ञासा फिल्म के प्रति अगर बढ़ानी है तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसा ड्राइवर चाहिए। देखिए अभी जो एक ट्रेन होती है उसमें एक इंजन होता है, 20 तो डब्बे होते हैं ना, लेकिन बोली तो पूरी ट्रेन जाती है ना, तो पिक्चर में भी ऐसी आपको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसको आप थिएटर पे ऑडियंस को ले आइए, ले आ सके। प्लस दूसरा क्या है, फ्रॉड सैया बीइंग अ स्मॉल फिल्म, उनके जो प्रमोशन बजट उतने हेवी नहीं है, तो उनके लिए कोई ऐसी ट्रिक चाहिए या ऐसा एक चाहिए जो लोगों तक हमारी फिल्म पहुँचे और लोग उसके लिए आए, और बाद में तो पिक्चर नहीं बोल रहे हैं, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि पिक्चर बहुत अच्छी है, पिक्चर भी बहुत चलेगी। एक जो मेजर दो मिनट एक मेजर थी भगत सिंह, हमने एक पिक्चर बनाई थी द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, बहुत अच्छी फिल्म बनी थी उस जमाने में, हमको प्रेसिडेंट नेशनल अवार्ड भी मिला था, तो बट उस टाइम पे शायद वो चली नहीं क्योंकि एक दो पिक्चर और भी बनी थी उन्होंने, और उन्होंने लोगों ने वो पहले पिक्चर देख ली तो वो राइट नहीं थी फिल्में, जो हिस्टोरिकली जो करेक्ट थी वो हमारी फिल्म थी, और उस ज़माने में शायद ऐसी पिक्चरों का लाइकिंग नहीं था, लेकिन अभी आप देखो कि जो रिसेंटली जो भी पिक्चरें ऐसी आई हैं सब चली हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइमिंग कभी कभी रॉन्ग हो जाता है, तो टाइमिंग शायद हम रॉन्ग हो गए, तो वो लगा कि कहीं पर मुझे फील होता है कि वो जितना वो डिजर्व करती है वो पिक्चर उतना उसको नहीं मिला। कुमार सर, सर जाने ये भी चाहेंगे कि यूट्यूब टिप्स ने टिप्स की ग्रोथ सभी ने देखी है, पूरी इंडस्ट्री ने देखी है, सर सबसे पहले फॉर्मर आप ही हैं इस इंडस्ट्री के, सर क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो एलिमेंट्स हैं जो टिप्स को टिप्स बनाता है सर, वो अगर क्या एम्प्लॉयज़ हैं या आपका माइंड है या स्ट्रेटजी है, क्या है सर? नहीं, मेरे ख्याल से इसे टीम वर्क, एम्प्लॉयज़ ओनर सब एक अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, एंड अल्टीमेटली हमारी जीत वहाँ पर है जो हमारे जो क्रिएटिव हमें प्रोडक्ट देते हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, कंपोजर हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको उनके तरफ से हमें अगर अच्छा सामान या अच्छा जो पिक्चर है या म्यूज़िक है वो अच्छी मिलेगी तो हम जैसी कंपनियों की सक्सेस है, और हमारा काम है कि हम सिलेक्ट करें अच्छी चीज़ें, तो हम कोशिश वो करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें भी डब्बे आ जाते हैं। हाँ बनाएंगे, बहुत सारी पिक्चर हैं हमारे कंपनी में, इश्क विश्क हैं, सोल्जर हैं, कच्चे धागे, बहुत सारी पिक्चर हैं जिनका सीक्वल बन सकता है, पार्ट टू बन सकता है, तो वो आइडिया है, माइंड में है, स्टोरियों पे वर्किंग कर रहे हैं, अगर कोई अच्छी स्टोरियाँ मिलेंगी तो उस हिसाब से करेंगे। घर पे बैठ के खाना खाता हूँ और सोता हूँ।
और कुछ नहीं करता हूँ। सर जानना ये भी चाहेंगे कि क्या वो मोटिवेशन है सर आपका जो आपको लगातार पर डे इसी रफ्तार से काम करने पर मजबूर करता है, एक्साइट करता है, क्या वो चीज़ें हैं, कोई इंस्पिरेशन कोई चीज़ें, या फिर आपको पता है कि मुझे अपने ज़िंदगी के इस साल तक मुझे यहाँ पहुँचना है, क्या चीज़ें हैं? मैंने कभी ऐसी ज़िंदगी में कहाँ पहुँचने टारगेट नहीं बनाई है। हाँ, लेकिन ये था कि जब हम छोटे थे, यंगस्टर थे, पिक्चरें देखने का बहुत शौक था, तो जो आपका शौक अगर आपके बिजनेस में हो जाए ना, तो वो बड़ा पैशनेट होता है, तो आपका पैशन ही कुछ अलग होता है, तो आई थिंक वो उसने बहुत हेल्प किया हमें। कुमार सर, आपसे बात हो रही है और गिरीश जी की बात ना हो तो ये थोड़ी मैं बात गलत समझूंगा, क्योंकि हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है कि गिरीश सर के आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं और अभी किन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं। गिरीश के लिए दो स्टूडियो में काम चल रहा है, अगले 6 महीने के अंदर आई थिंक कुछ डिसाइड होगा क्या होना है। जी जी सर, कोई भी एक सवाल जो मैं आपसे ना पूछ पाया हूँ? और नहीं, आपने ज़्यादा ही पूछ लिया। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द बेस्ट फॉर समर। सो वन लास्ट क्वेश्चन वी वुड लाइक टू आस्क, यू हैव बीन पायनियर ऑफ दिस इंडस्ट्री, यू हैव टॉट पीपल हाउ टू ग्रो, जस्ट वन क्वेश्चन लास्ट, सो व्हाट इज योर मैसेज टू द न्यू पीपल जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टअप एजेंडा? मेरे ख्याल से जो नए लोगों को एक ही है कि क्या होता है ना, थोड़ा भी अगर वो कुछ बना देते हैं तो दे फील एक्साइटेड कि मैंने बहुत अच्छा कर दिया, और इमीडिएटली अप्रोच करना चालू करते हैं और कॉपी करते हैं। मेरे ख्याल से कॉपी नहीं करनी चाहिए, एक तो ओरिजिनल करनी चाहिए और बहुत मेहनत करनी चाहिए, बहुत मेहनत की ज़रूरत है, और अल्टीमेटली जिस काम में डेप्थ नहीं होगी वो नहीं चलेगा, तो प्लीज़ पुट बेस्ट एफर्ट्स, बहुत काम करो, मेहनत करो। वेल, मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ कि हम इतना प्यार मिल रहा है सब लोगों से, इतने सारे वीडियोस में देख रहे हो कि लोग डांस स्टेप्स बना रहे हैं ऑन छम्मा छम्मा सॉन्ग एंड they are enjoying it, so yeah, I'm very grateful and happy for that. Did you feel any kind of pressure because it wasn't performed by Urmila and even in Morning Rose this song was performed? So Gee. Well, of course, I mean, I thoda sa nervous thi, but that was because I was so excited, you know, ki ek itna bada iconic song hai that I'm actually being a part of now in the recreation of it, and you obviously hope that everyone will enjoy it. Any other song which you want to perform? Yes, I would love to do Tip 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 Barsa Pani. Thank you, thank you. Thank you. Thank you guys. Thank you.